हेलो होप याज़ आर डूइंग बेल सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी आई टू कवर द फर्स्ट होल चैप्टर ऑफ यूनिट फोर सो ये पूरे चैप्टर हम ये ये फिफ्टीन मिनट्स के वीडियो में सो इन नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स यू आर गोइंग टू नो और यू आर गोइंग टू एक्चुअली नो एवरीथिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर फिल्म ऑफ यूनिट फोर यूनिट फोर क्रिएटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ की पीपल अब की पीपल क्या होता है की पीपल कैन भी यू नो अ कॉमन टर्म फॉर यू की वर्ड जो है की वर्ड की वर्ड हम लोग यूजुअली यूज करते हैं जब हम लोग एक आंसर लिखते हैं राइट सो टीचर्स यूजली टेल अस और आर्स अस टू अंडरलाइन द की टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स राइट आर द ऑफ़ द आंसर्स एंड फ्रॉम लाइक इफ यू मिस एनी की टर्म और इम्पॉर्टेंट टर्म दो टर्म्स इफ यू मिस दैन दैट आंसर वुड बी इनकम्प्लीट और यू कैन लूज मार्क् मार्क्स right so same th thing happens with the film as well there are key contributors in the uh, in the filming process right so who are they we are going to focus on this video so this video is a revision video as i said before in the next 10 to 15 minutes you are going to know everything about the first chapter of unit 4 right film

प्रोड्यूसर कौन है प्रोड्यूसर इज बेसिकली द वन हु इन्वेस्ट मनी राइट एक उसका जॉब क्या होता है टू एक्वायर फाइनेंस दैट्स इट एक्टर क्या है एक्टर्स है परफॉर्मर्स वी ऑल नो हु एक्टर्स नाउ सिनेमेटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर एंड ऑडियोग्राफर कैन बी अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल नाउ सिनेमेटोग्राफर क्या होता है सिनेमेटोग्राफर का दूसरा नाम भी होता है डायरेक्टर ऑफ़ फोटोग्राफी ना सिनेमेटोग्राफर बेसिकली जानता है कि डायरेक्टर वो वही चीज़ दिखाता है जो कि डायरेक्टर देखना चाहता है और वो चीज जो डायरेक्टर देखना चाहता है वो एक्चुअली डायरेक्टर को लगता है कि ऑडियंस भी देखना चाहते हैं राइट right? वो एक आर्टिस्ट uh, टेक्नीशियन uh, जैसा भी है बोल सकते हैं जो कि यू नो लोकेशन से रिलेटेड काम करता है जो कि फ़िल्टर लाइटिंग लेंसेस वो सारे चीज़ से रिलेटेड काम करता है ना हु इज ऑडियोग्राफर ऑडियोग्राफ़र का भी दूसरा नाम है उसका नाम है साउंड रिकॉर्डिस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट नाम से ही पता चलता है यू नो साउंड रिकॉर्डिस्ट है कि जो कि यू नो लुक्स आफ्टर द एडिटिंग ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग साउंड लाइक साउंड दो टाइप में रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग द फिल्मिंग प्रोसेस और पोस्ट प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में क्यों साउंड रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि फिल्मिंग प्रोसेस में हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ आए राइट right? तो इसीलिए हो सकता है कि बैकग्राउंड uh, नॉइस को अवॉइड करने के लिए बैकग्राउंड वॉइस को मतलब लाइक वो जो uh, बाहर जो अनवांटेड वॉइस आएंगे उसको अवॉइड करने के लिए उन लोग पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा लाइक फोकस करते हैं ठीक है एडिटर वी ऑल नो हु द वन हु मूवी लाइक गार्डनिश मतलब यहाँ पूरा खाना पक के रेडी हो गया है बस गार्निश करना है मतलब फिल्म बन के रेडी हो चुका है बस उसको गार्निश करना है उसको एक अच्छा टच देना है जिससे कि व्यूअर्स हो और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे राइट आर्ट डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर भी अ काइंड ऑफ सिनेमाटोग्राफर या डायरेक्टर का ही काम करते हैं बेसिकली वो काम डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर के साथ ही करते हैं उन लोग मेजर डिसीजन लेते हैं सेट और लोकेशन से रिलेटेड डिजाइन एंड ऑल वो सबसे रिलेटेड उन लोग डिसीजन um, लेते हैं और म्यूज़िक कम्पोजर्स क्या है ठीक है म्यूज़िक कम्पोजर्स आर बेसिकली पीपल हु आर लाइक basically gives uh, songs the main attraction right songs are main attraction of film so he they also gives that a uh, tadka to the movie right so let's just go in details right uh, i'm not going to read the whole paragraph because it, it would be unnecessary and waste of time so uh, like i'll i'll just mark the important lines which you have to read that's it writer writer creates the script and he uh, he uh, the script is basically the foundation of the film that's it Now one fundamental difference fundamental difference of his work and other key person's work is that his work begins with a blank sheet of paper staring at him right now the writer begins uh, begins with the original idea okay that idea can be uh, th that idea can be adaptation adaptation means an idea which is taken from somewhere it can be uh, it it can be you know uh, from um, short stories it can be from play uh, novel etc or it can come from uh, it can be basically his own inspiration his own idea you know which he has created it can be both the ways right now adaptation requires a good judgement of the pa on the part of writer as records, choosing the uh, choosing the focus of the story for the screen selecting and omitting parts of the original right so it's not that if you're uh, a adaptation layer idea layer source through. so it's not that that you will just copy paste it you will give your own turka to it right you will give uh, your own spice to that film you are like independent to do this राइट बट यू हैव टू बाई राइट्स वो प्रोड्यूसर काम करता है ठीक है वो ओरिजिनल राइटर से राइट्स बाई करना प्रोड्यूसर का काम होता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है राइटर राइटर uh, का uh, काम होता है स्क्रिप्ट बनाना स्क्रिप्ट बना रहा है ठीक है वो उसका खुद का आइडिया वो एक फर्स्ट स्टेप होता है एक फिल्मिंग प्रोसेस का और उसका वर्क और दूसरे वर्क लोगों का वर्क में क्या मेन डिफरेंस है मेन डिफरेंस ये है कि वो एक uh, उसका काम एक ब्लैंक शीट से शुरू होता है ठीक है वो आइडिया उसका खुद का इंस्पिरेशन भी हो सकता है या फिर एक अडाप्टेशन वो अडेप्टन भी हो सकता है किसी सोर्स के थ्रू राइट वो सोर्स क्या हो सकता है नॉवल शॉर्ट स्टोरी प्ले नाउ डायरेक्टर एम्प्लॉयज राइटर कैन भी इंडिपेंडेंट राइट और द राइटर हु लाइक इंडिपेंडेंट मतलब ऑब्वियसली सबको इंडिपेंडेंट है सबको फ्रीडम है बट राइटर जो इंडिपेंडेंट है या, यानी कि उसको कोई मतलब कोई रोक टोक नहीं है वो जैसे चाहे वो स्क्रिप्ट लिख रहा है ठीक है अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ डिरेक्टर वो इंडिपेंडेंटली स्क्रिप्ट लिखता है पर राइट कुछ मतलब डायरेक्टर होते हैं जो कि राइटर को इम्प्लॉय कर uh, मतलब द इम्प्लॉय राइटर्स टू राइट स्क्रिप्ट विद द कोलेबोरेशन ऑफ ओरिजिनल राइटर जो कि अडाप्टन जो सोर्स से अडाप्टेड रहता है उससे ओरिजिनल राइटर जो होते हैं उसके ओरिजिनल डायरेक्टर होते हैं उनके साथ कोलेबोरेट करके स्क्रिप्ट लिखें ठीक है अब सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए क्या क्वालिटीज की ज़रूरत है राइट right? उसको साउंड नॉलेज होना चाहिए ये सारी क्वालिटीज़ है सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए ठीक है ये सारी क्वालिटीज़ है उसका एक गुड परसेप्शन होना चाहिए अबाउट द कैरेक्टर एंड ड्रामेटिक कंफ्लिक्ट ठीक है एंड ही शुड अंडरस्टैंड वॉट वन इज राइटिंग ऑलवेज लाइक ये लाइन का मतलब बस बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है इट बेसिकली मीन्स दैट ही शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट्स इट थ्री पॉइंट्स आर इनफ बट यू कैन राइट द लास्ट पॉइंट इज बैर द दे आर अवेयर ऑफ दर अवेयर ऑफ लेवल्स ऑफ लैंग्वेज लाइक ही शुड नो अबाउट द लैंग्वेज एंड ऑल नाउ इफ I talk about language, right? अब Hindi movies में Hindi language is important, but it's not that कि a person who is coming from West Bengal or coming from Tamil Nadu and he doesn't he or she doesn't know Hindi then what the person will do? क्या वो इंसान writer नहीं बन सकता Hindi movies के लिए? नहीं, वो बन सकता है he would write or uh, she would write the script in English. then director employ करता है translate मतलब dialogue writer को जो कि translate करता है English को Hindi में, ठीक है? ये हो गया राइटर के काम ये सारी चीज़ यहीं से उठाए गए थे ठीक है ये एग्जाम्पल यू कैन रीड इट नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर वर्क इज नाउ टू टू बेसिकली हैंडल हैंडल टैलेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग प्लान करना एक्टिविटीज को एक गिवन बजट में और एक स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल में फिर उस वो काम वो हायर भी करता है बहुत सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट में जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया तो उसके जो हेड है उसको हायर करना एंड ऑल ठीक है हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को हायर करता है ये ट्रू ऑथर ऑफ द फिल्म है वो, ओ, ये ओ, ये जो है उसको कैप्टन ऑफ द शिप भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके Iske, like these are key contributors. So, if missing missing, it can, you know, it can affect the whole, um the level of the mov movie or the level of the film can deteriorate. Okay. So, they the work is basically to handle people, act, uh, uh, handle people, and plan uh, activities in the given budget and uh, in a strict time schedule. So, he is basically involved in. Uh, he work with a director as well so he is basically involved in all the major and minor problems from the pre production to the post post production or we can say even beyond theek hai aur iske bahut kaam hote hai director ka bahut zyada kaam hota hai that is why उन uh, उसके बहुत सारे assistance भी होते हैं who looks after everything help basically director दिर, uh, now वेयर इज प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर 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 का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बिकॉज भले ही तुम आइडिया मतलब डिरे राइटर ने आइडिया ले लिया डायरेक्टर ने प्लान कर लिया uh, सब कुछ हो गया पर पैसा कौन देगा फिल्म नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी राइट इन्वेस्ट मनी टाइम एवरी थिंग तो मनी इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो प्रोड्यूसर आ प्रोड्यूसर के बिना एवरी थिंग इज लाइक वेस्ट that's it the producer's work is like producer's job is to acquire finance he's also involved just he's also involved in every uh, minor and major problems from the beginning to the very end just like director okay um a project may be of a writer or director but it gets a kickstart from the producer a producer ke kya, -kya kaam hai, which is very important okay producer ke kya, -kya kaam hai? पहले पहला पॉइंट कि ही पुट्स टुगेदर द क्रिएटिव यूनिट अश्योस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है लीगलिटीज़ uh, को हैंडल करता है सारे लीगल वाले जो चीज़ होते हैं ना इट रिक्वायर्स लीगल सारे लाइसेंस एंड ऑल वो सारे चीज़ का ध्यान रखता है लुक्स आफ्टर दैट एंड प्लान प्रिपेय बजट ऑफिस स्टाफ को लाइक और असिस्टेंट्स को हायर करता है ठीक है और डेवलप करता है डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइक वो चेंजेस भी इफ़ नेसेसरी वो चेंजेस चेंजेस भी सजेस्ट करता है डायरेक्टर ठीक है इफ़ रिक्वायर्ड नॉट एवरी टाइम ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ अब हम लोग आ, का फिल्म बन चुका है जस्ट इमेजिन हम लोग का फिल्म बन चुका है अब प्रोड्यूसर क्या करेगा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे प्रोड्यूसर बेसिकली सिलेक्ट करता है वो सारे पिक्चर्स या वो सारे वीडियोज़ या वो सारे पार्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और प्रोड्यूसर को लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो उसका वो ट्रेलर बनेगा ट्रेलर बनेगा पोस्टर बनेगा टी वी टेलीविजन टेलीविशन में जाएंगे जिससे कि लाइक वो एज ए एडवर्टिजमेंट काम करेंगे और फिर हम लोग अट्रैक्ट होंगे वो ट्रेलर से वो पोस्टर से एंड वील गो टू वॉच दैट मूवी राइट टू थिएटर्स और टू एनी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो और, और एक मतलब वो तो ऑबियसली मूवी हिट हुआ तो उसमें तो वो मनी अच्छा खासा कमाए गए बट एक और सोर्स होता है थ्रू विच प्रोड्यूसर कैन अर्न मनी अर्न मनी ठीक है प्रोड्यूसर बेसिकली अर्न कर सकता है मनी बाई सेलिंग द म्यूजिक ऑफ द फिल्म टू द म्यूजिक कंपनीज अब म्यूज़िक कंपनीज क्या करेगी वो फिल्म का वो फिल्म का वो सी डी ओ टेप्स के थ्रू लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगी ठीक है इसके थ्रू भी जब म्यूजिक अच्छा है ठीक है मूवी का तो वो प्रोड्यूसर हम लोग वो म्यूज़िक बेच सकता है म्यूज़िक कंपनीज़ को म्यूजिक कंपनीज खुशी खुशी, खुशी खुशी खरीद भी लेगी ठीक है फिल्म प्र, फिल्म प्रोड्यूसर का, का जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है क्रिएटिव कन्सेपच्चुअलाइज दिस इज हाई राइट यू कैन रीड इट वंस क्रिएटिव कन्सेपच्चुअल फिनशियल मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रमोशनल दैट्स इट नाउ एक्टर वी ऑल नो एक्टर हु आर एक्टर्स हम लोग भी एक्चुअली बहुत सारे फैन होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत गंदे वाले फ़ैन होंगे डाई हार्ट फैन, फैन जिसको बोलते हैं ऑफ एनी एक्टर और एक्ट्रेस एनी वन एनी परफॉर्मर राइट सो मॉडरेटली एक गुड एक्टर कैरीज एन और विच इज़ वेरी नॉटनेसरी अब और वो अपने पर्सनैलिटी अपने अपने अपील अपने वर्क के थ्रू उसको मिलता है ठीक है वो बेसिकली एक परफॉर्मर ही होता है पर ऑडियंस जो होती है वो इमोशनल लिंक मतलब एक बॉन्ड क्रिएट करती है वो स्क्रीन कैरेक्टर जो कि एक्टर है ठीक है अब एक्टर और स्टार में डिफरेंस होता है बिफोर गोइंग टू द डिफरेंस लेट जस्ट नो वॉट इज वॉट

गब्बर मूव uh, गब्बर सिंह बने थे वो शोले में तो वो उनका फर्स्ट स्क्रीन uh, का कुछ था तो उसके थ्रू उनको फेम मिला ठीक है बहुत अच्छा वाला रिस्पॉन्स उनको ऑडियंस से मिला था दो ही वॉज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ एक्टर ही वॉज ऑल्सो एक्टर बट ही वॉज अ विलन बट यू नो ही गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस बिकॉज द वे ही वॉज यू नो एक्टिंग द वे ही वॉज परफॉर्मिंग वॉज रियली रिमार्केबल ठीक है नाउ सिनेमा और स्टेज के बारे में बताया गया है सिनेमा और स्टेज के बारे में यह बताया गया है कि वेट सिनेमा है और वेरी स्टेज सिनेमा बता रहा है कि वहाँ के जो एक्टर्स होते हैं वो उसके उसका जो एक्सप्रेशन उसके सारे चीज़ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसको जूम करके दिखाया जाता है राइट जूम uh, करके दिखाया जाता है उसको उसका क्लोजअप लिया जाता है उसका लॉन्ग शॉट ये शॉट वो शॉट क्लोजअप ये सारे चीज़ लिए जाते हैं जैसे कि उसको बहुत अच्छे से उसका मतलब उसको एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बट जो स्टेज होता है ना उसमें ये इतना नेसेसरी नहीं है क्यों क्यों नेसेसरी नहीं है क्यों नेसेसरी इसलिए नहीं है क्योंकि जब इंसान वो लाइव होता है ठीक है तो जब इंसान लास्ट बेंच में बैठा या फिर लास्ट सीट में या जो भी कहीं पे भी बैठा हुआ है तो उसको उतनी अच्छे से उसके एक्सप्रेशन नहीं विजिबल होंगे उसके डायलॉग्स ही सुनाई देंगे वो भी माइक्रोफोन्स के थ्रू राइट और दूसरा क्या चीज़ है दूसरा है कि कहीं ना कहीं सिनेमा में उसको जो मतलब उसका जो एक्टर होता है वो बेसिकली किसी की डायरेक्शन में काम करता है राइट डायरेक्टर होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको डायरेक्ट करते हैं पर स्टेज में एक्टर जो होता है वो मास्टर ऑफिस इज मास्टर ऑफ ऑफिज ओन परफॉर्मेंस ठीक है अब एक्टर और स्टार के बीच का डिफरेंस समझते हैं ठीक है थीके? स्टार कौन है एक एक्टर स्टार बन सकता है ठीक है पर एक स्टार ज़रूरी नहीं हो कि वो एक्टर ही हो अब स्टार क्यों बनता है लोग ठीक है एक्टर जो होते हैं वो अपने एक्टिंग एबिलिटीज से जानते हैं पर स्टार जो होता है वो अप, वो अपने पर्सनालिटी द वे ही इज़ बिहेविंग शी इज़ बिहेविंग उससे वो स्टार बनता है ठीक है एक्टर इज केपेबल ऑफ प्लेइंग वैरायटी ऑफ रोल्स बट स्टार बेसिकली यूजुअली यू नो प्लेस हिम और हसै सिनेमाटोग्राफ़र कौन है सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर ऑफ़ फोटोग्राफी है वो आर्टिस्टिक टेक्नीशियन भी है एज आई सेड बिफोर वो बेसिकली रियलाइज़ करता है कि डायरेक्टर क्या चाहता है क्या सुनना मतलब देखना चाहता है बेसिकली ठीक है और वो सेलेक्ट करता है लोकेशन को सेट बिफोर शूट ओनली ओबियसली मतलब प्री प्री शूटिंग स्टेज में ही वो प्री प्रोडक्शन स्टेज बोल सकते हैं uh, उसमें ही वो सेलेक्ट uh, कर लेता है लोकेशन को और uh, वो मेजर डिसीजन लेता है लाइटिंग का लेंसेज का फिल्टर का और आल्सो मॉडिफाई सेट कंस्ट्रक्शन लोकेशन एंड कॉस्ट्यूम और मेकअप भी ठीक है साउंड रिकॉर्डिस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द साउंड फॉर द yeah for the sound quality of the movie of the film mixing editing sound recording performed by the uh, sound department of the film production sound is normally recorded during filming or um, post-production on set the production sound mixture responsible for selecting microphones okay microphones and supervising uh supervising their placement okay वो इंक्लूड करते हैं मतलब वो बेसिकली देखता है ना कि माइक्रोफोन्स कहाँ रहेंगे तो बहुत अच्छे से आवाज़ सुनाई देगा तो वो कपड़े के अंदर फिट कर देते हैं वो फर्नीचर्स के पीछे लगा देते हैं वो सब ये सब चीज़ काम करते हैं ठीक है जैसे कि साउंड उन लोग का मेन पर्पज की साउंड क्लियर हो आ, अच्छे से लोगों को सुनाई दे विदाउट एनी यू नो बैरियर विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी मतलब फ्लक्चुएट ना करे वॉइस या फिर बोल सकते हैं कि uh, मतलब बेसिकली क्लियर हो ठीक है क्लियर होगा तभी समझ में आएगा कि बेसिकली वाथ दैट मूवी और वाथ दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू से आर्ट डायरेक्टर के पास जाते हैं आर्ट डायरेक्टर क्या है आर्ट डायरेक्टर काम करता है डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर के साथ वो सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर के साथ इसलिए काम करता है क्योंकि उसको भी उसका भी मेन फोकस सेट और uh, यू नो लोकेशन में ही रहता है मतलब वो काम करता है कि वो देखता है कि कौन सा जो पार्ट है मूवी का वो सेट में किया जाए और कौन सा पार्ट डिर लोकेशन में किया जाए दैट्स और मो म्यूजिक दैट्स एट Uh, हाँ म्यूज़िक कंपोजर विच इज़ द लास्ट की कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द फिल्मिंग प्रोसेस इसका काम होता है मेन अट्रैक्शन सॉन्ग को मेन अट्रैक्शन बनाना फिल्म का और इंडिया में सॉन्ग मेन अट्रैक्शन ही होते हैं फिल्मिंग का तो प्री जब ना सॉन्ग हिट हो चुका है प्री पब्लिसिटी पीरियड में ऑलरेडी सॉन्ग पॉपुलर हो चुका है तो फिल्म का तो श्योरिटी है मतलब एकदम श्योरिटी है कि फिल्म भी हिट होगी फ्लॉप नहीं होगी ठीक है अब एग्जाम्पल्स दिया गया है एस डी बर्मन का एस डी बर्मन ने बहुत मतलब एक बहुत ट्रेमेंडुअस डाइवर्सिटी उसकी म्यूजिक थी उनकी म्यूजिक थी उन्होंने एक लड़ एक लड़की भीगी भागी गाना बनाया था अब अप, अब के बरस गाना बनाया था ना 1957 और 1963 में तो ये सारे दो मेमोरेबल सॉन्ग्स हैं एग्जाम्पल पूछ सकता है जैसे कि म्यूज़िक कम्पोजर का एग्ज़ाम्पल पूछ सकता है अब ये भी पूछ सकता है कि हमको एक मतलब एक सिनेमेटोग्राफर का नाम बोलो तो सिनेमाटोग्राफर का नाम बोलना से हम लोग ये की पार्ट लिख सकते हैं कि शुभ्रत मित्रा जो थे वो बेसिकली सत्यजीत रे के मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे। दिस इज ऑल अबाउट दिस